तो सिंपली आपको महिंद्रा की साइट पे कुछ नहीं करना, ये अलग है यार। सुजी हाँ, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और इस वीडियो में मैं सामने से आपको कुछ नहीं दिखाने वाला हूँ, कुछ नहीं मिलेगा सामने से आपको। जो कुछ भी मैंने सोचा है ऐसे ही इंडोर ही कुछ वीडियो बना के दे देता हूँ आप लोगों को जानकारी। काफ़ी दिन से मैंने वीडियो नहीं की, तो क्या दिया जाए आपको, क्या बताया जाए, सब तो इंटरनेट पर अवेलेबल है। लेकिन हाँ, मैंने कुछ जैसे कि मैं वही देख रहा था कि इंटीरियर को सब मतलब पूछ रहे हैं कि क्या है क्या नहीं है, इसकी स्टीयरिंग व्हील कैसी है, इंटीरियर कैसा है। तो एक छोटा सा सिंपल सा वीडियो मैं दे रहा हूँ आपको, ऐसे ही सिर्फ जो हमारी महिंद्रा की साइट पे जो इंटीरियर दिखाए गए हैं, ठीक है, सेम वैसे इंटीरियर आपको मिलने वाला है ना। कोई इसमें ऐसा नहीं है कि कुछ चेंज हो जाएगा आपको। यहाँ पे स्कॉर्पियो की बैचिंग वगैरह जो कुछ भी है, सब सिंपल सी बात है, सब सारी चीज़ें आपको सेम ही मिलेगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ सामने का, अगर आप देखें तो सेम ही है, बस व्हील चेंज कर दिए हैं। वहाँ पे पिन महिंद्रा लोगो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। और गाड़ी का लुक तो भाई डैशिंग सा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। 7 सीटर में अवेलेबल है, नो डाउट गाड़ी बहुत अच्छी है, बहुत ही बढ़िया गाड़ी है यहाँ पे आप। और अच्छा, कुछ सवाल ये भी थे कि आप यहाँ पे इसको कैसे इंक्वायर या क्या कैसे सिस्टम था, वो भी है, वो भी मैं आपको सब सारी चीज़ें आपको बता दूंगा कि कहाँ से आपको करने हैं कहाँ से नहीं करने हैं, बहुत ही बेहतरीन लुक में। तो सिंपली आपको महिंद्रा की साइट पे जाना है, कुछ करना नहीं है आपको। महिंद्रा की साइट पे आप जाइए सिंपल से, होम पर जैसे ही आप यहाँ पे होम पेज पे आएंगे, मैं होम पेज पे आपको दिखाता हूँ। क्योंकि सिंपल से आप होम पेज जब आप ओपन करेंगे तो होम पेज पे ही सबसे पहले इंट्रोड्यूसिंग द न्यू स्कॉर्पियो क्लासिक, ऐसा होम पेज आपके सामने फ्रंट उसका खुल जाएगा, उसका इंटरफेस कुछ ऐसे देखने को मिलेगा। तो क्लासिक में आप पर आप देखेंगे यहाँ पे वो स्लाइड्स ऑटोमेटिकली स्लाइड्स जो होते रहेंगे आपको दिखता रहेगा कैसे क्या करना है। यहाँ पे आपको सिंपली कुछ करना नहीं है, अगर टैप करना आपको यहाँ पे इसको इंक्वायरी करनी है तो कुछ नहीं, आप सीधा इसमें टैप कर दीजिए, आप नो मोर पे क्लिक करिए तो वहाँ पे आपके कुछ बेसिक डिटेल्स मांगेंगे। तो आप बेसिक डिटेल्स अपना फिल कर दीजिए, फुल नेम है, मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी, सिटी और स्टेट। यहाँ पे जैसे ही आप करेंगे तो महिंद्रा की जो टीम है वो आपसे कॉन्टेक्ट करेगी, ठीक है, आपको क्या करना है सारी चीज़ें आपको वो बताएगी। तो अगर आपको कहीं के जैसे इंटरनेट पे बहुत सारी जानकारियाँ जो उड़ रही हैं उसके बीच में आप ना पढ़िए, ठीक है। मैं सिंपल से इसलिए आपको दिखाया ना कि साइट पे आप देख लीजिए क्या है क्या नहीं है, इसलिए मैंने साइट ओपन करके ऐसा दिखा दिया। नॉर्मली ऐसे वीडियो आपको नहीं मिलेंगे इंटरनेट पे, ये बात सही है, ऐसे वीडियो आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। जो भी दिखाएंगे सब आउटडोर दिखाएंगे, आउटडोर के वीडियो मैं भी लाऊंगा, मेरे एग्जाम चल रहे हैं, पढ़ाई है मेरी, तो मेरे पेपर एक बार हो जाए, ख़त्म हो जाए सारे एग्जाम्स, उसके बाद मैं कंटिन्यू करूंगा वीडियो। तब तक के लिए जो है ना मैं ऐसे दिखा दे रहा हूं आपको, तो यहाँ पे आप कर देंगे। उसके बाद इसके फीचर्स वगैरह के बारे में जानना है आपको यहाँ पे कि हाईलाइट पे आप क्लिक कर दिए, यहाँ पे आप देखिए क्या क्या है देख रहे हैं, लुक देखिए। मैं सिंपल से इससे अच्छा मतलब इंटीरियर आपको कहाँ मिलेगा यार, देख रहे हैं ऐसे आप देखिए, सिर्फ कुछ नहीं करना आपको, 3D व्यू है सब कुछ, पैक हर चीज़ आप देखिए, पीछे की सीट देखिए, फैब्रिक कितना बढ़िया लग रहा है, जो अंदर से ऐसा लग रहा है यार तो बाहर से कैसा लगेगा मेरे भाई, देख रहे हैं। 22.86 सेंटीमीटर टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम है, ये महिंद्रा ने चेंज कर दिया है। हालांकि काफ़ी ये चर्चा में रही थी ये वाली स्कॉर्पियो के इंटीरियर में, इसके कुछ सुधार नहीं हो रहे हैं, ठीक है, तो इंटीरियर में सुधार भाई बहुत हुआ है इसमें, आप देख सकते हो, ऐसे ही देख लो फ्रंट पे जब आएगी आप यहाँ पे तो बात ही अलग है यार, खुद ही बता रहा ना। ऑल न्यू फैब्रिक विद टू टोन बैक ब्लैक इंटीरियर थीम फॉर अ प्रीमियम लेवल ऑफ कंफर्ट, कंफर्ट का इसमें ध्यान दिया गया है। अच्छा, कुछ शिकायत भी रहती है कि महिंद्रा की जो स्कॉर्पियो पहली थी थोड़ा कम्फर्ट को लेकर था, यहाँ पे रियर सीटिंग इवेंट भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है, पीछे के रो में, हालांकि पहले वाले में भी था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। LED टेल लैम्प है यहाँ पे पीछे की, देखिए आप सब, मैं आपको 3D एग्जांपल ड्राइव जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसलिए दिखा रहा हूँ कि ऐसा आप थोड़ा सा देख लीजिए, वीडियो नहीं पहुँच पाती बहुत लोगों के पास, तो ऐसे ही पहुँच जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 8-9 स्लाइड है इसकी, हाईलाइट जो है महिंद्रा की साइड पे क्या क्या की हाईलाइट देते हैं, मस्कुलर एलॉय व्हील, इसके एलॉय व्हील चेंज किए गए जो महिंद्रा की क्लासिक का जो अच्छी है, इसी वही है जो चेंजेस किए गए, इंजन पूरा पूरा बदल दिया गया है, ये आप ध्यान में लीजिएगा, इंजन पूरा बदल दिया गया है गाड़ी का, एलॉय व्हील चेंज हो गए हैं, फ्रंट की व्हील चेंज हो गई है, हालांकि उसकी डीवी देखने को मिलेगा, फॉग लैंप एंड डे टाइम रनिंग लैंप, ये देखिए ये आपको जो है थोड़ा सा डायमंड क्रिस्टल टाइप का हम आपको यहाँ पे मिल जाएगा फॉग लैंप में यहाँ पे, हालांकि मैंने जो आपको बताया प्रोजेक्टर हेडलाइट LED आईफोन की लाइट नहीं, आईफोन की जो
ये जो लाइट होती है उसको आई रोज बोलते हैं, ठीक है। लाइट ये देखिए, ये देखिए सबसे प्यारा। हालांकि अगर मैं बेसिकली अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखूँ, मैं अपना पर्सनल बताऊँ, आप कलर देख लीजिए किस कलर में आपको स्कॉर्पियो ज्यादा पसंद आएगी। रेड अपना ये पेयर वाइट का है, ये नेपोइल क्या है, नेपोली ब्लैक है, और ये गैलेक्सी ग्रे है। आप अपना कलर आपको क्या पसंद आया हमें कमेंट में करके बताइएगा। यहाँ पे मैं आपको बता दे रहा हूँ जो महिंद्रा की एकदम एग्जैक्ट आपको जानकारी मैं दे रहा हूँ, कहीं मत जाइए, मेरी वीडियो पूरा देखिए आप। यहाँ पे भी मैं वही बताऊँगा जो महिंद्रा की साइट पे महिंद्रा ने ऑफिशियली दे रखी है, ठीक है। मार्केट में क्या घूम रहा है उससे नहीं मतलब है, ये आपको सिंपल सा मैं बता रहा हूँ, ठीक है। फीचर्स तो भाई क्या ही बताऊँ फीचर्स के बारे में, जानना है फीचर के बारे में बहुत है यार फीचर में क्या क्या। आप जानिए यामाहा का इंजन यहाँ पे आपको मिल जाएगा, देख रहे हो सिक्स गियर में अलॉय व्हील, लेटेस्ट हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग है, यहाँ पे आपको हाइड्रोलिक मिल जाएगा। हालांकि ये बहुत अच्छी चीज़ है, हाइड्रोलिक में आपको मिल जाएगा। सेफ्टी पे अगर हम ध्यान दें तो ड्राइवर साइड को, ड्राइवर साइड आपको यहाँ पे मिल जाएगा, पैनिक ब्रेक इंडिकेशन है यहाँ पे आपको मिल जाएगा। इसके बाद ये देखिए इंजन इमोबिलाइजर, ये बहुत अच्छे सिस्टम है, ये हर गाड़ी में मेरे ख्याल से रहना चाहिए, तो ऐसे ही है यहाँ पे। तो हालांकि जितने अगर मैं देखा जाऊँ बेसिकली जो मेन मेन थे तो मैंने बता ही दिया है, और मैं भी आपको लेके आऊँगा इसकी पूरी वीडियो, पूरी सीरीज अभी लेके आऊँगा, और मैं सारी चीज़ें बताऊँगा इसके इंजन कैसे हैं, कैसे वर्क करता है, सब कुछ कैसे करता है। अभी के लिए मैंने ये वीडियो दे दिया आपको, वीडियो आप देख लीजिए, अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। आप सभी से मिलूंगा मैं जल्दी, स्कॉर्पियो की वीडियो लाने वाला हूं मैं, ऑफ रोड पे पूरी लाऊंगा मैं वीडियो, ग्राउंड प्रेजेंस पे ले आऊंगा इसकी, ठीक है। आउटडोर की वीडियो आने वाली है, ये तो मैंने इसलिए दे दिया आपको कि मार्केट में इन्फॉर्मेशन पे आप मत जाइए क्या कैसे है, कितने में आ रही है, 20 लाख 22 लाख का है। तो महिंद्रा वालों ने जो ऑफिशियली यहाँ पे दे रखा है मैं वो आपको बता रहा हूँ, ठीक है। वीडियो आप पूरा देखिएगा, मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में, थैंक यू।